दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आप अपने YouTube के व्यूज कैसे बढ़ा सकते हैं कुछ तरीकों को यूज करके, तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही तरीके बताने वाला हूं। ज्यादा डिटेल्स के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। हेलो एवरीवन, मैं हूं अखिल ऑलमोस्ट सोशल से, और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 10 तरीकों के बारे में जिनको यूज करके आप अपने यूट्यूब के व्यूज बढ़ा सकते हैं। ऐसा हो सकता है आपको इनमें से काफी चीजों के बारे में ऑलरेडी मालूम हो, कुछ चीजों के बारे में ना मालूम हो। तो अगर जो भी केस होता है उस चीज को कंसिडर करते हुए, मैं यहाँ पे यही कंसिडर करता हूँ कि आप लोगों को, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने व्यूज बढ़ाना चाहते हैं, और ये जो सारे तरीके मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनिक व्यूज लाने में आपकी हेल्प करते हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, जैसे आप लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं, और ज्यादा बर्बाद ना करते हुए हम सीधे बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, जो कि होगा परफेक्टली मेटा डेटा को यूज करना। अब मेटा डेटा क्या होता है? जब भी आप किसी भी वीडियो को सर्च करते हैं तो मेटा डेटा होता है जो काफी यूजफुल होता है। ये वो चीज होती है जो एक वीडियो को सर्च करने लायक बनाती है। अब मेटा डेटा की अगर हम बात करें तो उसमें वीडियो का टाइटल, वीडियो का डिस्क्रिप्शन, वीडियो के कीवर्ड, वीडियो की कैटेगरी, ये सभी चीजें दोस्तों मेटा डेटा के अंदर आती है। जब भी आप किसी भी वीडियो को अपलोड करेंगे, टाइटल अच्छे से यूज करें, और आपको जो इनिशियल डिस्क्रिप्शन होता है वीडियो का, वो आपको काफी अच्छे से फिल करना होता है, जिसमें की कीवर्ड्स होने चाहिए। बात करते हैं दूसरे तरीके की, जो मैं यूजुअली हर वीडियोस में करता हूं, वो है आपको अपने वीडियो में आपके जो भी व्यूअर्स हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलना पड़ता है। अब जैसे कि अब ये दो तरीके से हो सकता है, या तो आप वीडियो में कहीं ना कहीं सब्सक्राइब का बटन आपको दिखे जो कहीं ना कहीं फ्लैश हो किया है, ताकि अगर कोई आपका वीडियो देख रहा है तो उसको आपको कई बार याद दिलाना पड़ता है कि आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप नहीं याद दिलाते हैं तो काफी ज्यादा बार ऐसे होता है कि वो सिर्फ आपका वीडियो देखते हैं, एंजॉय करते हैं और चले जाते हैं। अगर उन्होंने वीडियो एंजॉय करा और अगर आप रिमाइंड कराते हैं कि उन्हें सब्सक्राइब कर देना चाहिए अगर उन्हें वीडियो अच्छा लगता है, तो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होता है। क्योंकि रिसर्च में भी यही पता लगा कि 72% लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं जब आप उन्हें बोलते हैं। तो अगर आपने ऑलमोस्ट सोशल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आप इसी तरीके के मजेदार और यूजफुल वीडियोस के लिए अभी रेड सब्सक्राइब बटन को स्मैश करना ना भूलें, ताकि आप उनमें कनेक्ट हो पाए। बात करते हैं तीसरे तरीके की, जो कि होगा प्लेलिस्ट यूज करना। मैं अच्छे से ये चीज जानता हूं कि आप लोगों में से बहुत ज्यादा लोगों को प्लेलिस्ट के बारे में पता है, पर आप लोगों को ये नहीं पता है कि प्लेलिस्ट कितनी पावरफुल हो सकती है। अब मैं आपको पर्सनल एग्जांपल देना चाहूंगा, मेरे ऑलमोस्ट सोशल का वीडियो का नहीं, दूसरा जो मेरा चैनल है टेक्सम, वहां पे मैं एक गेम के रेगुलरली वीडियोस करता था जिसका नाम है रोडियो स्टाम्पीड। मैंने रोडियो स्टाम्पीड की एक प्लेलिस्ट बनाई जिसमें मैंने लिखा रोडियो स्टाम्पीड के गेम प्लेस के ऊपर। तो जो भी लोग ये रोडियो स्टाम्पीड की वीडियो देखते थे, तो सर्च हिस्ट्री, जब भी आप सर्च करेंगे रोडियो स्टाम्पीड, तो आपको कहीं ना कहीं वो प्लेलिस्ट नजर आ जाएगी। उस प्लेलिस्ट ने लास्ट 6 महीने के अंदर अंदर 70,000 से ज्यादा व्यूज मुझे दिए हैं। जी हाँ, इन टोटल मुझे 70,000 व्यूज मिले प्लेलिस्ट की वजह से। तो आप ये सोच सकते हैं कि प्लेलिस्ट कितनी यूजफुल हो सकती है। तो आपके जो भी रिलेटेड वीडियोस हैं, जो भी आप करते हैं, अगर आपके हाउ टू वीडियोस हैं सारे, तो आप हाउ टू की एक प्लेलिस्ट बनाइए, उसमें सारे वीडियो को प्लेलिस्ट में डाल दीजिए। वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होता है, उससे आपको काफी ज्यादा व्यूज आते हैं, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ते हैं। बात करते हैं चौथे तरीके की, जो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, वो है एनोटेशंस या फिर एंड स्क्रीन नोट यूज करना। अब पहले एनोटेशन ही होता था, जब आपको किसी भी वीडियो पे टेक्स्ट दिखता था, जब आप उसके ऊपर अपने कर्सर को लेके जाते थे तो आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते थे। कई बार लिखता था वो यू कैन वॉच पार्ट टू हियर या ऐसा करके कुछ, वो एनोटेशंस होते हैं। अभी रिसेंटली YouTube ने एंड स्क्रीन नोट का भी फीचर डाला है। तो अब यहाँ पे एंड स्क्रीन नोट में होता क्या है, जब भी वीडियो के एंड लास्ट के 20 सेकंड में आप किसी भी एक वीडियो का या चैनल का एक सर्कल में एक सब्सक्राइब बटन के लिए एक ऑप्शन होता है, वो सभी चीजें आप डाल सकते हैं। अब उससे होता है कि मान लीजिए अगर आप मेरा कोई वीडियो देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये वाला जिसमें YouTube व्यूज में मैं आपको लाने के लिए हेल्प कर रहा हूं, अगर मेरे पास में मुझे लगता है कि मेरी जो ऑडियंस है जो इस वीडियो को देख रही है, अगर वो Instagram में फॉलोअर्स पाने वाले वीडियो में भी इंटरेस्टेड हो सकती है, और अगर मैंने वो एनोटेशन में इंक्लूड किया है, तो मेरे काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि मुझे एनोटेशन यूज करके Instagram वाले वीडियो में भी काफी ज्यादा व्यूज आ जाएंगे। तो इसी तरीके से आप अपने व्यूज को स्मार्टली सर्कुलेट कर सकते हैं। एक अगर वीडियो आपका वायरल होता है, एक अगर वीडियो में अगर आपके अच्छे व्यूज आते हैं, तो आप उसका फायदा उठाइए और आप वहां के व्यूअर्स को बाकी जगह भी डाइवर्ट करिए, ताकि आपके बाकी वीडियोस भी वो लोग देख पाए। अगर उनको एंजॉय करते हैं तो आपके व्यूज बढ़ेंगे, आपके सब्सक्रिप्शन भी बढ़ते हैं। तो इस चीज का आपको डेफिनेटली ध्यान रखना होगा।
दोस्तों नंबर 5 पे है यूजिंग कार्ड्स। ये उसी तरीके से हेल्पफुल है जो एनोटेशन और एंड स्क्रीन नोट यूज करके, तो कार्ड्स यूज करना काफी इजी है। आप अप टू 5 कार्ड्स वहां पे यूज कर सकते हैं। आप वहां पे वोटिंग का ऑप्शन भी डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो, एक्सटर्नल लिंक डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। तो काफी हेल्पफुल है वहां पे भी आप रेलेवेंट जो जिसी भी वीडियो के, अगर मान लीजिए अगर मैं अभी बात कर रहा हूं कि आप कोई इंस्टाग्राम का वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको यहां आई बटन में अगर वही वीडियो दिख जाता है तो व्यूअर्स के लिए काफी ईजी हो जाता है उस चीज के होवर करना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को जरूरी आप लोगों को ये यूज करनी चाहिए। दोस्तों नंबर 6 की बात करें तो ये काफी कॉमन सी चीज है, हम लोगों में से काफी लोग करते हैं। आप हर एक वीडियो को, हर एक सोशल मीडिया प्रोफाइल जो आप यूज करते हैं वहां पे आपको शेयर करना चाहिए। ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा मत करिए, स्पैमर मत बनिए, पर एक बार शेयर करना ना भूलें। अगर आप ट्विटर पे यूज करते हैं, अगर आपने किसी ब्रांड के ऊपर रिव्यू किया है, कोई वीडियो किया है, किसी ऐप के ऊपर किया है, तो आप ट्विटर पे उस पर्टिकुलर ब्रांड या डेवलपर को टैग भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर अभी मैंने कोई वीडियो किया यूट्यूब के ऊपर तो मैं यूट्यूब पर टैग कर सकता हूं जब भी मैं ट्वीट करूंगा, उससे मेरी विजिबिलिटी और बढ़ने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। हो सकता है यूट्यूब को अगर कोई भी वीडियो अच्छा लगे वो रीट्वीट कर दें तो मेरे को काफी सारे व्यूज एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। तो इस तरीके का आप ध्यान रखिए। सेम चीज आप इंस्टाग्राम में भी कर सकते हैं, टैग करिए। सेम चीज आप फेसबुक में भी कर सकते हैं, टैग करिए जो भी रेलेवेंट लोग होते हैं उन लोगों को। तो दोस्तों नंबर 7 पे है आस्किंग क्वेश्चंस या फिर कॉन्टेस्ट को रन करना। अब मैं यहां पे अगर आपको ये बोलूं कि अगर जब भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आप मुझे बताइए कि आप इन 10 पॉइंट में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपको लगता है सबसे ज्यादा हेल्पफुल है आपके लिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये एक क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। आप ऑफ कोर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इन 10 में से आपको कौन सा लगता है कि सबसे ज्यादा पावरफुल तरीका, बहुत ज्यादा पावरफुल तरीका कौन सा है, आपको क्या लगता है सबसे बेस्ट है। अगर मैं इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछता हूं, आप लोगों से कनेक्शन बनाए रखता हूं, तो आपकी इंगेजमेंट मेरे वीडियो पे बढ़ेगी और यही वो इंगेजमेंट है जिस तरीके से आपके व्यूज भी एक्स्ट्रा बढ़ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर एंगेजमेंट हाई होता है रिटेंशन रेट हाई होता है, वॉच टाइम ज्यादा होता है, तो आपका वीडियो थोड़ा पॉपुलर होता है यूट्यूब के मैट्रिक्स में, तो आपको व्यूज बढ़ने की और ज्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है। आप इसी तरीके से कॉन्टेस्ट भी कर सकते हैं, हर एक वीक एक टॉप कमेंटर को पिक करना या फिर और भी किसी भी प्रकार का कोई भी फन कॉन्टेस्ट आप इजिली कर सकते हैं, गिव अवेज भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो इन चीजों से आपको काफी हेल्प हो जाती है। दोस्तों नंबर 8 पे है यूजिंग अमेजिंग थंबनेल। जी हाँ, अट्रैक्टिव और अमेजिंग थंबनेल यूज करना ना भूलें, क्योंकि पहला इंप्रेशन आखिरी इंप्रेशन होता है। अगर इनिशियल थंबनेल मुझे अच्छा लगता है और अगर मैं वीडियो के ऊपर क्लिक करता हूं तो डेफिनेटली आपके व्यूज बढ़ते हैं, तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है इस पॉइंट में। तो सर नंबर 9 पे है, ये काफी ज्यादा नए यूट्यूबर पुराने यूट्यूबर सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, ट्रेंडिंग टॉपिक या फिर किसी लेटेस्ट न्यूज के ऊपर वीडियोस बनाइए और अपलोड कीजिए। ये काफी हेल्पफुल होता है क्योंकि जब ये जो सर्च है, ये जो कंटेंट है, ये ऑलरेडी सर्चेबल है, ऑलरेडी काफी लोग ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है व्यूज पाना। आप लोगों को पता है जियो की वजह से कितने ज्यादा यूट्यूबर कहां से कहां पहुंच गए, तो आप इस चीज का डेफिनेटली ध्यान रखें कि आप इसी तरीके से रेगुलरली चीजें करते रहें। और दोस्तों आखिरी नंबर 10 जो लीस्ट नहीं है वो है आपके हर एक वीडियो के लिंक को आप किसी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर सकते हैं अगर वो दोनों वीडियोस रेलेवेंट होते हैं। तो अगर एक यूट्यूब का वीडियो है और दूसरा भी यूट्यूब का टिप का अगर वीडियो है तो आप दोनों को लिंक कर सकते हैं, तो दोनों के वीडियो को एक दूसरे के डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हैं, उससे आपका क्रॉस प्रमोशन होगा, उसी तरीके से आपकी व्यूज यहां की व्यूज वहां, वहां की व्यूज इधर होंगे और आपके इंक्रीज होते हैं व्यूज। तो दोस्तों ये थे वो 10 तरीके जो आप यूज कर सकते हैं अपने यूट्यूब वीडियो के व्यूज बढ़ाने के लिए। अगर आपको लगता है ये काफी कॉमन से तरीके थे और मैंने आपका टाइम बर्बाद किया तो मैं माफी चाहूंगा, और अगर आपको लगता है कि ये तरीके आपके लिए हेल्पफुल थे तो मैं खुश हूं कि मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर पाया। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि इन 10 में से आपको सबसे अच्छा तरीका कौन सा लगता है, काफी हेल्पफुल आपके लिए कौन सा तरीका काम कर रहा है। हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके जाना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें ताकि और भी यूट्यूबर्स की हेल्प हो पाए व्यूज लाने के लिए। कमेंट करना ना भूलें, मुझे बताइए आप लोगों को कौन सा इनमें से पॉइंट अच्छा लगा, या फिर अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। और चौथा, सब्सक्राइब बटन करके क्लिक करके जाना ना भूलें। हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।